यूपी के कौशाम्बी जिले में जिला पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर चल रहा है। ठेकेदार दीपक सिंह ने एएमए रणमत सिंह पर आरोप लगाया है, जो भी सड़क बनवाते हैं ठेकेदार उसको बिना पैसा दिए काम नहीं करवा सकता। 31% से अधिक कमीशन लिया जाता है, जो कमीशन नहीं देता उसके खिलाफ जाँच कार्यवाही की जाती है, उसको खूब परेशान किया जाता है। ठेकेदार थक हार कर कमीशन देकर अपना पैसा निकालने की कोशिश करता है। एएमए पर आरोप लगाया गया है कि 1 साल से 2 सड़कों का निर्माण करवाया था, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा, हर जगह कमीशन मांगा जा रहा है, बहुत परेशान करके रखा है। योगी सरकार से अनुरोध है, इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। 1 साल से मैं दौड़ लगाते लगाते थक गया, मुझे अटैक पड़ गया, मेरे पिता को कैंसर है, हम पैसे ना होने के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के इशारे पर काम करता है एएमए, फर्जी तरीके से जांच करवाता है। एएमए के एक ऑडियो और उनके जेई स्टोर इंचार्ज का वीडियो ऑडियो भी कमीशन का उनके पास है। उनका मेसर चित्र कंस्ट्रक्शन का जो आरोप लगाए हैं नितांत ही गलत और काल्पनिक है। उसकी वस्तुस्थिति ये है कि मेसर चित्र कंस्ट्रक्शन द्वारा ई टेंडर द्वारा 2 सड़कों का कार्य प्राप्त किया गया था। उस कार्य प्राप्त करने के उपरांत उनके द्वारा काम भी करा दिया गया। काम कराने के बाद शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतें प्राप्त होने के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत द्वारा उनके कार्य की जांच कराने के लिए एमएनआईडी से जांच कराने के लिए आदेशित किया गया, जिसके क्रम में एमएनआईडी से जांच कराई गई। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत एमएनआईडी इलाहाबाद से जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत अभियंता जिला पंचायत द्वारा जाँच आख्या का तुलनात्मक परीक्षण किया गया। तो जिला पंचायत द्वारा जारी बिल ऑफ क्वान्टिटी और ट्रैकलन का जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो अभियंता ने यह पाया कि इसमें बिटुमिन्स दोनों सड़कों पर कम प्रयोग किया गया है तथा गिट्टी का भी अंडरसाइड ओवरसाइड की गिट्टी का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से अनुबंध की धारा 5 के अनुसार स्पष्ट जिसमें वर्णन है कि यदि काम में कोई कमी पाई जाती है तो ठेकेदार उसको काम को पुनः कार्यपूर्ण कराएगा। इसके क्रम में उनको कार्यपूर्ण कराने के लिए उनको आदेश निर्गत किया गया कि आप उसको कार्यपूर्ण कराएं और अपना शेष भुगतान, उनका पूर्व में जो काम सही था उसका लगभग 30% उनका भुगतान कर दिया गया, जो शेष काम मानक के अनुरूप नहीं था उसको काम पुनः काम कराए जाने के लिए उनको आदेशित किया गया। तो जो उन्होंने अभी तक कार्यपूर्ण नहीं कराया, जिस दिन भी कार्यपूर्ण करा लेंगे उनका शेष भुगतान भी कर दिया जाएगा, जबकि उनको 1 महीने का समय दिया गया था कार्यपूर्ण कराने के लिए, अभी 1.5 महीने भी हो गए लेकिन उन्होंने वहाँ स्थल पर काम शुरू नहीं किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से दबाव बनाकर गलत तरीके से अपना भुगतान मुझे ब्लैकमेलिंग करके या किसी तरीके से भुगतान कराने की चेष्टा मात्र है जो शिकायत की जा रही है। और चूंकि ये सरकारी धन है, अगर मैं किसी भी तरीके से गलत जांच आख्या के उपरांत अगर भुगतान करता हूँ तो निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका पूर्ण दायित्व तो मेरा होगा। मेरा इतना ही कहना है, बकाया आप बताइए क्या और कहना है। मैं कुलदीप सिंह हूं और फर्म हमारी में सर चित्रा कंस्ट्रक्शन है, पत्नी प्रोपराइटर है सुषमा सिंह, और हमने 2 परियोजनाओं पे काम किया था। उसके पहले ऑफलाइन टेंडर हुए थे जिसमें ये अपने चहेतों को ही केवल टेंडर दे रहे थे, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी। उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग सहित हमने शिकायत की थी उसकी। अभी तक ये अपने प्रभाव से जाँच नहीं होने दे रहे हैं, जिलाधिकारी मंजनपुर को जाँच मिली है और उसी जांच को वापस कराने के लिए और 31% कमीशन मांग रहे हैं कि जब तक 31% कमीशन नहीं देंगे तब तक आपका भुगतान नहीं होगा। तरह तरह के आरोप लगा के इन्होंने एमएनआईटी से जांच भी कराया, जांच के रिपोर्ट सही आने के बावजूद भी गलत तुलनात्मक परीक्षण करके ये हमारे भुगतान को रोके हुए हैं और इनसे 1 साल से हम आहत हैं। ये हमारा बहुत उत्पीड़न किए हैं और इनके उत्पीड़न के चलते मैं बड़ा मानसिक तनाव में रहता हूँ, पूरा परिवार हमारा मानसिक तनाव में रहता है। मुझे 9 फरवरी को हार्ट अटैक भी हुआ है। आज की तारीख में मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं स्टेंट डलवा सकूँ, डॉक्टर लिखे हुए हैं, अब मैं पैसे का इंतजार कर रहा हूँ, इंतजाम करूँगा तब जाके स्टेंट डलाऊँगा। दवा के बल पर चल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जाँच करा के 0 टॉलरेंस नीति के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करें।